22 अगस्त 2021 को फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी का इलेक्शन हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जो कि सेंट्रल कोलकाता पीटर लेन में वाक़ है। वहाँ पे जो है सबों ने वोट दिया, अपने मेंबर लोग आके वोट दिया गया। और कल इन लोगों का एक जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर लोग थे, तो इन लोगों को जो है कल जो है मोहम्मद तौकीर आलम प्रेसिडेंट किया गया, बनाया गया फ्रेंड वेलफेयर सोसाइटी का। अब्दुल हमीद वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी शादाब खान और मोहम्मद असलम जो है हुए हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी, और बाकी चार लोग हैं ये मोहम्मद शाहनवाज अलमास मलिक मोहम्मद इसाक शमशाद आलम वगैरह। आईएएस जनरल सेक्रेटरी एस अब्दुल हमीद साहब कमेटी के बारे में कुछ बता रहे हैं, उसको सुनते हैं। मैं मोहम्मद जावेद खान, जेकेवी कोलकाता न्यूज़। अपना सफ़र 29 सालों का मुकम्मल किया, 1992 से आज 2021 तक का सफ़र जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ, गरीबों के दरमियान रहकर, तालिब इल्मों के दरमियान रहकर, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना, बेवाओं के लिए काम करना, नौजवानों के लिए काम करना, और समाज के हर तबके में रहकर कौमी, समाजी व मिल्ली खदमात फ्रेंड सोसाइटी ने अंजाम दिए ये गुज़श्ता 29 सालों में। और चूंकि सोसाइटी में जमहूरियत का निज़ाम कायम है और हर साल पहले जो है इसमें इलेक्शन हुआ करता था, जो लोग इसके मेंबर हैं वो आए इस पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन पिछले 3-4 साल पहले जो है इत्तेफाक राय से एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस में खर्च होता है तो लिहाजा एक साल का टेन्योर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन अब 2-2 साल पर हो। और मार्च में 2020 के मार्च में ही इलेक्शन ड्यू था, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से जो कोविड-19 का मामला चला, जिसकी वजह से जो है इलेक्शन को टाल दिया गया। फिर हम लोगों ने इस साल उसको कराने की कोशिश की, लेकिन फिर कोविड का मामला आया, सेकंड वेव आ गया, फिर उसको टालना पड़ा, एक्सटेंशन मिला मजलिस अमला को। फाइनली अभी 22 तारीख को, गुज़िश्ता 22 तारीख को अगस्त महीने में, पिछले एतवार को मजलिस अमला की जो है ये इलेक्शन के लिए लोगों ने वोट दिया, और तकरीबन 90% वोट सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने दिया, मजलिस अमला को चुना। उसमें 9 लोग जो है चुन कर करके एग्जीक्यूटिव कमेटी में आए, बहुत सारे लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, सब लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन 9 लोग जो है वो चुन कर करके आए थे। नवा पोजिशन में चूंकि 2 लोगों का वोट का शेयर एक ही था, वोट बराबर बराबर के थे, तो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब मुश्ताक आलम साहब और उनके एक मुआविन थे, दोनों ने यह फैसला किया कि जो 9th पोजीशन पे दोनों लोग हैं उनको ज्वाइंट विनर्स दिया जाए, क्योंकि दोनों ने एक ही यकसा वोट हासिल किया। तो इस लिहाज से जो है ये कमेटी के मजलिस आमला का जो इलेक्शन हुआ ये मुकम्मल हुआ और लोग चुन करके आए। अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जेकेवी कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।